तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला वेरियस ट्रेड अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो बता दें कि जो आपका कोच फैक्ट्री के रिगार्डिंग जो कपूरथला में है उसके रिगार्डिंग आपका अप्रेंटिस का भर्ती आया है। तो इस वीडियो में जानेंगे हम इस पार्टिकुलर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग यानी इस अप्रेंटिस के रिगार्डिंग आपके एज लिमिट क्या रहने वाले हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या मांगा जाएगा, यहाँ पे आपके सिलेक्शन किस प्रकार से रहने वाले हैं, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, अप्रेंटिस के फायदे क्या होने वाले हैं, सिलेक्शन का फायदा क्या होगा और सिलेक्शन आपका कैसे होगा, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर देंगे, आपको सारी डिटेल दी जाएगी। तो वीडियोस पर बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यदि कोई भी डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछिएगा। और आप सभी स्टूडेंट से, सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि वीडियोज़ अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ जाकर कंप्लीट डिटेल्स को देते हैं। और स्टूडेंट्स, आप सभी दोस्तों भाइयों को बता दें कि इस पर्टिकुलर वीडियोस को देखने के बाद आपको फॉर्म भरने के लिए जो भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए वो आपके पास बिल्कुल रहेंगे ताकि आप फॉर्म को अच्छे से समझते हुए भर सके। चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे यह आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के द्वारा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो फॉर्म है वो आपका स्टार्टिंग जो फॉर्म भरने का वो स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो है वो 9/4/2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। आपको इस डेट से पहले अपने फॉर्म को भर लेना है। स्टूडेंट्स, बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ट्रेड में आपको अप्रेंटिस के भर्ती को जारी किए गए हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके फीटर हो गए, वेल्डर हो गए, मशीनिस्ट हो गए, पेंटर हो गए, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, एसी एंड रेफ्रिजरेटर मैकेनिक्स हो गए हैं, एसी एन आरईएफ मतलब रेफ्रिजरेटर। ये टोटल 7 आपके यहाँ पे ट्रेड है और सभी ट्रेड के रिगार्डिंग कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जिस भी आप ट्रेड में अपने आईटीआई डिग्री को प्राप्त किया है तो आप उसके रिगार्डिंग फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको बता दें स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ कुछ आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या मांगे गए हैं इस फॉर्म को भरने के लिए उसे समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपका एज लिमिट मिनिमम 15 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 24 ईयर होना चाहिए 31/3/2024 तक। यानी आपका एज यदि 31/3/2024 तक 24 साल से ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते। यदि आपका एज 15 से 24 ईयर के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और जो एज रजिस्ट्रेशन मिलता है सभी कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो यहाँ पे भी आपको दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिंपल आपके पास क्लास 10th पास होना चाहिए। दो प्रकार के यहाँ पे क्वालिफिकेशन सिंपल है, पहला आपको क्लास 10th पास होना चाहिए और दूसरा आपका आईटीआई की डिग्री होना चाहिए। जिस भी ट्रेड में आप भर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आप फीटर के लिए भर रहे हैं तो फीटर में आपको आईटीआई का डिग्री होना चाहिए और क्लास 10th तो पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो क्लास 10th पास के साथ यदि आपके पास आईटीआई की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि इसका जो सिलेक्शन होगा वो आपके मेरिट के आधार पर ही होगा, लेकिन आपको कैसे होगा वो हम आपको बताने से पहले कुछ और जानकारी देना चाहेंगे। मान लेते हैं यदि आपका जो भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं यानी आपका क्लास 10th पास आप किए हैं वो CBSE बोर्ड से था और आपका CGPA था तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। CGPA का आपको बता दें कि 9.5 से मल्टीप्लायर होता है उसका। जैसे मान लेते हैं आपका 7.4 CGPA आया है तो आप क्या करेंगे 7.4 को 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये इसका मल्टीप्लायर है तो आपको टोटल आपका यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 70.3% निकल कर आएगा। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको टोटल मार्क्स में क्या लिखना होगा, 1000 लिखना होगा। आपका 70.3% आया है तो आपको वहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन में 700 मार्क्स लिखना पड़ेगा और इसके आधार पर क्या होगा आपका वहाँ पर मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो CBSE वाले कैंडिडेट होंगे उनके लिए है। इसमें समझिएगा कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका सिंपल मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। इस मेरिट बेस्ड सिलेक्शन में आपका जो क्लास 10th का मार्क्स होगा और क्लास जो आपके आईटीआई के मार्क्स होंगे उन दोनों का सिंपल एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज के आधार पे क्या होगा आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जैसे समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा उसे ध्यान से देखिए। जैसे मान लेते हैं आपके पास यदि अगर आपने 10th में 70% मार्क्स लाया, ठीक है, और आपका 12th में सॉरी आईटीआई में कितना है 80% मार्क्स है तो 70 प्लस 80 बटे 2 इसको निकालेंगे तो कितना होगा 75% आएगा। तो इस 75% के आधार पे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट्स का 75 से कम रहेगा तो उनका आने के चांसेस कम हो जाएंगे, यदि किसी स्टूडेंट्स का 75 से ज़्यादा रहेगा तो उनका उनके चांस आने के ज़्यादा रहेंगे। ये 75 का कहने का मतलब आपका नंबर जितना ज़्यादा रहेगा, जितना परसेंटेज ज़्यादा रहेगा उसके आधार पर आपका वहाँ पर मेरिट तैयार किया जाएगा। मान लीजिए आपका 80 है और किसी का 75 है तो आपका आएगा, सिंपल बात है। तो इस प्रकार से क्या होगा आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये इसका सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया। स्टूडेंट्स, फॉर्म भरने का 100 रुपये का फीस रखा गया है। आपको बता दें स्टूडेंट्स इसके फायदे क्या होते हैं। तो जनरली आमतौर पे जो अप्रेंटिस के भर्ती होते हैं उसका फायदा यही होता है कि जब भी ग्रुप डी का वैकेंसी निकलता है और स्टूडेंट्स आमतौर पर क्या है कि अभी रेलवे वैकेंसी को निकाल रही है तो हो सकता है ग्रुप डी की रिगार्डिंग वैकेंसी को निकाले, तो जो भी ग्रुप डी का वैकेंसी होता है उसमें आपका 20% जो होता है आपको रिजर्वेशन दिया जाता है। जो अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट होते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, उनका 20% रिजर्वेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेलवे के जॉब में आपको ये
फ़ायदा मिलता है, और दूसरा इसके सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलता है जो कि 7K से 9K के बीच में आपका हो सकता है। और फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि ये खासकर अप्रेंटिस का भर्ती उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ पे जिस रीजन में यह अप्रेंटिस के भर्ती को निकाला गया है, और आपका यदि घर आपका उसके आसपास है या फिर उसके कुछ दूरी पे ही है जिसको आना जाना ज़्यादा आपके लिए कठिनाई ना हो, तो आपके लिए यह अप्रेंटिस का भर्ती ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको जानकारी कंप्लीट मिली होगी। यदि कोई डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछिएगा। रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।